पुलिस्तान में दीगर केलों की तरह स्नोकर भी काफ़ी शौक से खेला जाता है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर कम होने के बाद स्नोकर क्लब्स भी वापस SOPs के तहत खोल दिए गए हैं। स्नोकर की ट्रेनिंग को सामने लाने के लिए MD स्नोकर क्लब रोजाना 200 लड़कों को स्नोकर ट्रेनिंग देते हैं। मेरा नाम रोमान मलिक है और मैं 3-4 साल से स्नूकर खेल रहा हूँ। ये वजह है क्योंकि स्कूल कॉलेजेस हमारे बंद हैं, तो इससे अच्छा है हम गली मोहल्लों में बैठे हैं तो हम स्नूकर आते खेलते हैं। मैं 3-4 साल से स्नूकर आ रहा हूँ। मेरा अपना तजुर्बा है कि स्नूकर मैंने आज तक कोई गलत बंदा नहीं देखा, तो बहुत अच्छी गेम है। आप इसको खेलें, आपको समझ आएगी। जो लोग गलत समझते हैं वो भी आके देखें तो उनको समझ आ जाएगी कि अच्छी गेम है, स्पोर्ट्स है। हम तकरीबन इस क्लब में 3 साल हो रहे हैं, हम रेगुलर खेल रहे हैं। ये बलूचिस्तान टूर्नामेंट खेला है, बलूचिस्तान कप खेला है, बस आगे का फिलहाल ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना हुआ अभी तक। स्नूकर का बहुत अच्छा माहौल है, हम लोग खुद इधर गुजरता है, इधर स्टूडेंट लोग भी आता है, काम वाला भी आता है, सारा जितना आपके जो दुनिया में लोग है सब आते हैं। लेकिन हम लोग ने आज तक ऐसा ना गलत बंदा देखा है, ना कोई गलत हरकत देखा है। ऐसा स्नूकर का तो बहुत अच्छा माहौल है। मेरा नाम आज शबीर लांगा है। मैं MD क्लब अकेडमी स्नूकर क्लब और द बेस्ट स्नूकर क्लब का ओनर हूँ। यहाँ डेली जो है तकरीबन 200-250 लड़के बच्चे यहाँ आते हैं, खेलते हैं। शिफ्ट है सुबह का शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट ये रात का शिफ्ट। 200-250 बच्चे यहाँ आते हैं, 200-250 बच्चे वहाँ उस क्लब पे भी जाते हैं। तो इनमें हम लोगों का टारगेट ये है कि नशे से, ये दूसरा ख़राब माहौल से, इनसे बच जाए बंदे और सारा स्पोर्ट्स को तवज्जो दें। दूसरा हम लोग कोशिश बिल्कुल जारी है कि इंशाल्लाह हम इनको आगे भी ले जावे और नेशनल के लिए भी हम लोग लड़के भेजते हैं। और स्नूकर तो माशाल्लाह अभी आगे गया है, हम लोगों का पाकिस्तान का बहुत से लड़के आगे भी जा चुके हैं। जो ये सारे मकान, ये जगह किराए के हर एक का जो है किराया 1.5-2 लाख रुपया किराया है। हम लोगों ने किराए भी अपने जेबों से दिए और क्लबें भी बंद हुए, अगला साल भी बंद हुए, अभी भी बंद हुए थे। तो हम लोगों का ये सारा किराया भी हम लोगों ने जेब से दिया है और गवर्नमेंट ने हम लोग कोई सपोर्ट नहीं किया ना। गवर्नमेंट ने हम लोगों की सर गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को कोई तावन नहीं हुआ है कि आप लोग कोरोना है या आप लोगों का क्लब बंद था या आप लोग किराए माफ़ करो या बिजली का बिल है या गैस का बिल है, सब हम लोगों ने उसी तरह सर दिए। सारे गेम भी खेलते हैं, अपना टाइम भी पास करते हैं और आगे खेलने की भी कोशिश करते हैं कि हम लोग खेले जावे, बलूचिस्तान का, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हम लोग कल सारे लड़कों का यही ख्वाहिश है। अभी यहाँ सपोर्ट थोड़ा कम है गवर्नमेंट का, बस और तो कुछ में जो अहदेदार बैठे हैं इनसे हम लोगों को अपील है कि स्नूकर को आगे ले जाएं, हमें सपोर्ट करें। यहाँ स्नूकर के क्लब तकरीबन क्विटा में 150-200 क्लब से ज़्यादा हैं। लड़कों का कहना था कि मंशिया से बचने के लिए बाकी लड़कों को भी स्नूकर खेलना चाहिए और उनको भी स्पोर्ट्स आगे लाना चाहिए, यही लड़के बलूचिस्तान और पाकिस्तान का नाम आगे जाके रोशन करेंगे। रिपोर्टर अनायतुल्ला खान, कैमरामैन सैयद शाह बेद, बलूचिस्तान स्पोर्ट्स वन क्विटा।